रोमन रेंस कर सकते हैं समर स्लैम पश्चात अपनी वापसी। फिन बैलर का रिटर्न हुआ है, तय रे मिस्टीरियो की डील पर आया, ब्रांड न्यू अपडेट और जाने की क्या कुछ और बड़ा आज AEW NXT के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो दोस्तों आज की हम वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम NXT AEW समेत रोमन रेंस फिन बैलर जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों AEW और NXT की न्यूज के साथ। तो सबसे पहले NXT को कवर करते हैं। WWE की तरफ से हमें आज NXT देखने को मिली जो कि काफी बेहतरीन रही। NXT की शुरुआत हमें देखने को मिली दोस्तों कीथ ली की एक बड़ी अनाउंसमेंट के द्वारा। कीथ ली ये चीज बताया कि वो एक फाइटिंग चैंपियन है लेकिन बाकी के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों अपना टाइटल वो वेकेंट करते हैं और ये चीज कहते हैं कि अब उनके टाइटल के लिए यानी कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए एक टूर्नामेंट होगी, जिसके विलियम रिगल ये चीज बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में कई ट्रिपल थ्रेट्स मैचेस की श्रृंखला चालू होगी और इनमें जो जीतेगा वो जाएगा NXT टेकओवर में, जो कि लैडर मैच का पार्ट होगा, एक बड़ी लैडर मैच का पार्ट, और उसके अंदर हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन कौन होता है। तो पहले ही दोस्तों शुरुआत में काफी बड़ा धमाका का देखने को मिल गया, बात की जाए इसके बाद क्या बात होगा। इसके बाद हमें डेक्स्टर लूमिस जो है एक्शन में देखने को मिले, जो कि दोस्तों फेस किए हैं किलियन डेन को। किलियन डेन वर्सेस डेक्स्टर लूमिस काफी हार्ड हिटिंग मैच था और इसके अंदर दोस्तों डेक्स्टर लूमिस की सबमिशन के द्वारा जीत हुई। इसके बाद जो अगला मैच था वो था एवर राइज वर्सेस ब्रिजांगो के मध्य। ब्रिजांगो काफी तगड़ी टीम है। वहीं दोस्तों एवर राइज की बात की जाए तो जॉबर्स के जैसे है, तो ऐसे में दोस्तों आप रिजल्ट तो समझ चुके होंगे। इस मैच के अंदर ब्रिजांगो ने विजय प्राप्त की। इसके बाद जो तीसरी थिंग थी वो थी दोस्तों जॉनी गार्गानो वर्सेस आपके रॉडरिक स्ट्रॉन्ग वर्सेस ब्रॉन्सन के मध्य एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां लग रहा था कि जॉनी गार्गानो इस मैच को जीतेंगे। इसका अंत दोस्तों काफी शॉकिंग तरीके से हुआ, जहां दोस्तों जो आपके ब्रॉन्सन है स्प्लैश लगाकर जीत गए और इस तरीके से दोस्तों अब वो आगे जाकर क्वालिफाई कर चुके हैं नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद कौन सी थिंग हुई, तो गाइस इसके बाद अलिया वर्सेस शॉर्टी ब्लैक हार्ट के मध्य मैच देखने को मिला, जिसे दोस्तों शॉर्टी ब्लैक हार्ट ने जीता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच था वो था दोस्तों टोमाटो थाशर का, तो फेस किया दोस्तों ओनी लोरकन को। टिमोथी इसके अंदर विजय रहे हैं और यहां दोस्तों उन्होंने एक वियर्ड से पिनफॉल के जरिए जीत अर्जित की। इसके बाद जो अगली थिंग थी वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था केरियन क्रॉस का। केरियन क्रॉस ने दोस्तों फेस किया डोमिनिक डायजोकोविच के। मैच की बात की जाए मैच बहुत बेहतरीन था, क्योंकि दोनों ही रेसलर साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा एजाइल भी है। यहाँ शुरुआती क्षणों में तो दोस्तों डोमिनिक का काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब उन्हें सुप्लेक्सेस लगनी स्टार्ट हुई उनकी हालत खस्ता हो गई। अंत की बात करूँ तो गाइज वहाँ में कीथ ली आते हुए नजर आते हैं, जो कि अपने मित्र को पिटता हुआ देख काफ़ी भावुक हो गए थे और उन्हीं के सामने दोस्तों जो केरियन क्रॉस है उन्हें सबमिट करा गए, उन्हें दोस्तों एक तरीके से फेड आउट करा गए और यहाँ दोस्तों राइवल स्टार्ट हो चुके केरियन क्रॉस और कीथ ली के मध्य। ये था आज की NXT का सार। तो NXT दोस्तों काफी धांसू गई है और मेरे हिसाब से दोस्तों आज NXT वालों ने काफी मजे लगाए। बात की जाए AEW की तो गाइस AEW वाले आज एक कदम आगे रहे हैं NXT से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों तीन बड़े सेगमेंट्स जो AEW के थे वो आज के काफ़ी बेहतरीन थे, जो कि दोस्तों NXT को लिटरली खा गए। सबसे पहला सेगमेंट था दोस्तों आपके जॉन मॉक्सली का। जॉन मॉक्सली के ऊपर दोस्तों हमें टैज कमेंट करते हुए नजर आते हैं रिंग के अंदर। उनके साथ थे दोस्तों उनके क्लाइंट यानी कि सो कॉल्ड आपके ब्रायन केज। ब्रायन केज को दोस्तों जो टैज है ये चीज़ कहते हैं कि देख मैंने तेरे लिए टावल इसीलिए फेंका था फाइट फॉर द फॉलन में, क्योंकि तेरी जो आम है वो इंजर्ड थी ऑलरेडी और ऐसे में तुझे जो सबमिशन लग रहा था तेरी आम के ऊपर ही था। मैंने तेरा भला चाहा ताकि आगे जाकर तो एक और बारी उसे फेस कर सके, जिस पर दोस्तों हमें एंट्री होते हुए नजर आती है। वहाँ डार्बी एलन की डार्बी एलन दोस्तों पीटने आए हुए थे आपके ब्रायन केज को, लेकिन उल्टा पिट के हुआ गया उन पर, पीछे से हो गया हमला जो कि रिकी किए। रिकी और ब्रायन केज ने दोस्तों मिलकर पीट दिया वहां आपके डार्बी एलन को। फिर एंट्री होते हुए नजर आती है हमें जॉन मॉक्सली की। जॉन मॉक्सली को देख दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि जॉन मॉक्सली लाते हैं अपने साथ बेसबॉल बैट। तो यहां दोस्तों हमें जॉन मॉक्सली की तरफ से एक तगड़ा प्रतिकार देखने को मिला। बात की जाए दूसरी बड़ी थिंग की जो कि आज की AEW को बेहतर बनाई, तो गाइस वो था आपकी एडी किंगस्टन का मैच। एडी किंगस्टन फेस किए हैं आपके कोडी रोड्स को, जो कि ओपन चैलेंजर रखते हैं हर हफ्ते TNT चैंपियनशिप के लिए। जो एडी किंगस्टन है फॉर्मर TNA रेसलर रह चुके हैं और काफ़ी हार्डकोर वो रेसलर है। और इस मैच की बात करूँ इसके अंदर थंब टैक्स का यूज़ किया गया। थंब टैक्स दोस्तों आप जानते हैं किसे कहते हैं, थंब टैक्स माना दोस्तों किलो का यूज़ किया गया और काफ़ी ब्रूटल ये मैच था, देखने योग्य दोस्तों ये मैच था। और इसके अंदर जो कोडी है जैसे तैसे रिटेन कर जाते हैं, जहां दोस्तों सबमिशन विक्ट्री उन्हें प्राप्त होती है। बात की जाए तीसरे बड़े सेगमेंट की, तो गाइस वो हमें देखने को मिला यंग बक्स वर्सेस पुचर एंड ब्लेड के मध्य फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। ये काफ़ी इंटरटेनिंग मैच था और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी मज़ा आया। रिजल्ट की बात की जाए रिजल्ट इस तरीके से देखने को मिला कि डबल
फ्रॉक स्प्लैश लगती है, या फिर कह लीजिए तरह तरह की फ्रॉक स्प्लैश लगती है ओवर द स्टेज, जो कि लगती है सीधा टेबल के ऊपर दोनों को, किनको, बुचर एंड ब्लेड को, यहाँ यंग बक्स विजय रहते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों एनएक्सटी और एईडब्ल्यू दोनों ही काफी ज्यादा बेहतरीन रही। अब देखना होगा रेटिंग्स पर कैसे प्रभाव पड़ता है। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर। गाइस पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों कायरी सेन से। तो कायरी सेन के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, आप जानते हैं डब्ल्यू के अंदर कायरी सेन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि काफ़ी क्यूट दिखती है और उनका जो फिनिशर है वो काफ़ी ब्रूटल लगता है, यानी कि एल्बो ड्रॉप मेरे हिसाब से वो इस वक्त सबसे बेहतरीन एल्बो ड्रॉप मारती है। कायरी सेन पर मैंने आपको बताया था आज से लगभग 3 हफ्ते पहले कायरी सेन को डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने वाली है, बेसिकली कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने वाली क्योंकि उनकी हाल ही में शादी हुई है और वो जापान में जाकर बसने वाली है और उन्हें इंजरी भी आ रखी थी पास में। आपको बताना चाहूंगा ये प्लान्स चेंज होने वाले हैं, कायरी सेन अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टिकी रहेगी। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कायरी सेन को अपनी कंपनी में रखने के लिए, वो कायरी सेन को जाने नहीं देना चाहता। यहाँ बताया जा रहा है कि उन्हें पे रोल पर रखा जा सकता है, साथ ही साथ दोस्तों ये चीज़ भी हो सकती है कि कायरी सेन अगर जापान चली जाए फिर भी वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कम्पीट करे। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे कायरी सेन को रिटेन किया जा सके। कायरी सेन काफ़ी बढ़िया रेसलर हो चुकी है और हाल ही में दोस्तों आपने मंडे नाइट रॉ में उन्हें बेली को भी हराते हुए देखा होगा, तो साफ साफ इशारा इस और कि कायरी सेन को किया जा रहा है खुश और कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बने रह सकती है। लेकिन अब हम चलते हैं इसे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है फिन बैलर से। तो लिटरली दोस्तों लगभग 2 मंथ हो चुके हैं कि हम फिन बैलर पर एक बारी भी डिस्कशन नहीं किए हैं। फिन बैलर एनएक्सटी में गए थे लेकिन वहीं से दोस्तों हमें उनका पतन होते हुए नजर आया। एनएक्सटी के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए अपने सेकंड रन में। और वहीं बात की जाए फिन की तो लगभग 1 महीने से तो दोस्तों गायब ही है, 1 महीने से हमने उनकी एक भी फाइट नहीं देखी। लेकिन अब खुशखबरी आज की बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक एक और नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर होगा जो कि दोस्तों ट्रिपल थ्रेट ही होगा और उसका पार्ट होंगे हमारे फिन बैलर। तो ये ट्रिपल थ्रेट जो कि फिन बैलर का होने वाला अगेंस्ट डेक्स्टर लूमिस और आपके टिमोथी के मध्य, जो कि दोस्तों आज की एनएक्सटी का पार्ट भी थे जिन्हें दोस्तों हमने इस वीडियो में भी दिखाया है। तो गाइज इन दोनों के खिलाफ फिन बैलर लड़ने वाले, होप करता हूँ इस बारी फिन बैलर इन दोनों को हरा दे, एक बड़ी जीत अर्जित प्राप्त करे और आगे जाकर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी बने। तो फिन बैलर की गंदी बुकिंग जारी है और रिटर्न वो करने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया खबर है। हम चलते हैं आज के अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है मास्टर ऑफ 619 यानी कि रे मिस्टीरियो से। तो गाइस रे मिस्टीरियो के फैंस के लिए भी काफ़ी बढ़िया खबर है। बताया जा रहा है कि रे मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से रीसाइन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों निगोशिएशन चालू हो चुके हैं, रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है इसलिए वो हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि लेटेस्ट रॉ की जो टेपिंग्स रही उसके अंदर रे मिस्टीरियो पार्ट थे। वहाँ दोस्तों एक तरीके की मीटिंग बताई जा रही है जो कि रे मिस्टीरियो और विंस मैकमैन के मध्य हुई है। दरअसल दोस्तों रे मिस्टीरियो को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटेन करना चाहता है और उनके सामने दोस्तों एक नया कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। बताया जा रहा है दोस्तों डे मेल्डर के अनुसार कि जो रे मिस्टीरियो प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन ही करने वाले हैं क्योंकि अभी की स्टोरी लाइन उनकी आधी अधूरी है। वहीं दोस्तों डोमिनिक का फ्यूचर भी अधर में लटका है, तो ऐसे में दोस्तों हमें फिर से रे मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो थिंग्स दोस्तों काफी पॉजिटिव वे में जा रही है जो कि रेसलिंग फैंस के लिए, खासकर रे मिस्टीरियो के फैंस के लिए काफी बढ़िया थिंग है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। गाइस रोमन रेंस के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं रोमन रेंस के ऊपर अपडेट्स आते ही रहते हैं, हम इस चैनल पर उन्हें डिस्कस करते ही रहते हैं। लेकिन गाइस आज थोड़ा सा हट के बात कर ली जाए रोमन रेंस के रिटर्न की। तो आप जानते हैं रोमन रेंस का रिटर्न जो है नहीं होने वाला है क्योंकि अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा घटिया है, कोरोना फैल रखा है, डब्ल्यूडब्ल्यू की ऐसी तैसी हो रखी है बैकस्टेज। लेकिन बात की जाए कि कब उनका रिटर्न हो सकता है, समर स्लैम वो एक पीपीयू हो सकता है जहां जो विंस मैकमैन वो रिस्क ले सकते हैं रोमन रेंस की वापसी की। अब बात की जाए कि ऐसे कैसे, तो आप जानते हैं दोस्तों कि अभी जो एक्चुअल प्लान्स है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के वो यही है कि ब्रे वाइट वर्सेस जो आपका प्रॉन का मैच है उसे करवाना। आप जानते हैं फीड जो है वो अपना रिटर्न कर चुका है, इस बारी के एक्सट्रीम रूल्स में दोस्तों हमें वो पानी से निकलता हुआ नजर आया, यानी कि थर्ड चैप्टर भी यहां लिखा जाएगा और ब्रॉन वर्सेस फीड होगा, जिसका ऑब्वियस रिजल्ट यही रहने वाला है कि फीड ब्रे वाइट वहां ब्रॉन को हराने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं जो फीड है वो इवेंचुअली इसीलिए हारे थे अपने टाइटल को क्योंकि गोल्डबर्ग अपना रिटर्न कर गए थे, वरना दोस्तों रेसलमेनिया में उन्होंने विद द टाइटल उतरना था। तो यहां दोस्तों जो मेन थिंग आपको देखने को मिलेगी वही देखने को मिलेगी कि फीड अपना टाइटल जो है वो फिर से रीगेन कर चुके हैं एट द एंड ऑफ समर स्लैम और फिर वहाँ एंट्री हो रही है बिग डॉग रोमन रेंस की। क्योंकि जो रियल प्लान्स है वो शुरुआत से यही थे
कि जो फिंड है उन्हें बिग डॉग हरा कर बनेंगे यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन थिंग्स दोस्तों ऐसे कुछ ऊपर नीचे गई कि रोमन रेंस सिचुएशन से बाहर हो गए और जो रेसलमेनिया है वहां में देखने को मिला फिंड वर्सेस आपके गोल्डबर्ग के बंदे मैच। तो यहां दोस्तों मेरे अनुसार जो समर स्लैम है उसके बाद आपको बिग डॉग अपना रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी बेहतरीन चीज़ भी रहेगी। और मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस को फिंड को हराना भी चाहिए। आपके अनुसार दोस्तों फिंड वर्सेस रोमन रेंस में से कौन सा ज़्यादा ताकतवर रेसलर है कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।